वेलकम टू माय चैनल लाइफ हैक्स बाय हर्षद। चलिए आज हम पढ़ाई करते हैं डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है? सेट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेट, इसका डेफिनेशन है। लेकिन एक्चुअल में डेटा मतलब कुछ भी, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका जहाँ पे आप रहते हो उसका एड्रेस हो गया, आपने कॉलेज जाते हो कॉलेज का नाम हो गया, एनी इंफॉर्मेशन, जहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है वो हम डेटा बोल के कंसिडर करते हैं। अगर आप डेटा आपका नाम जाके बुक में लिख दिए, जिसको हम हार्ड कॉपी ऑफ डेटा बोलते हैं, अगर उसको आप जाके कंप्यूटर में एक्सेल में एंट्री कर दिए तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी ऑफ डेटा बोलते हैं, राइट। अगर ये जो कंप्यूटर का जो डेटा है ये पीछे कहाँ पे जाके स्टोर होगा? ये जाके स्टोर होगा डेटा बेसिस में, राइट। तो ये देखिए मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ डेटा के बारे में, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सेल्स इन्फॉर्मेशन और सिटी इंफॉर्मेशन, राइट। दिस आर ऑल डेटास। तो अभी मैंने आपको जिक्र किया है डेटाबेस के बारे में, राइट। तो चलिए जानते हैं डेटाबेस का मतलब क्या है। डेटाबेस का मतलब ये है जहाँ पे आप अपना डेटा को स्टोर करते हो, राइट। जैसे कि पहले, अभी पहले जब कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे तो लोग बुक्स में अपना डेटा को स्टोर किया करते थे, लेकिन जब से कंप्यूटर का इन्वेंशन हो गया, नाउ पीपल स्टोर द डेटा इन डेटाबेसिस, द प्लेस वेयर स्टोर द डेटा। जैसे आपका मोबाइल का मेमोरी कार्ड हो सकता है, या फिर आपका लैपटॉप का हार्ड डिस्क हो सकता है, या फिर क्लाउड का डेटा हो सकता है, राइट, या फिर कोई सर्वर का डेटा हो सकता है, जो भी हो गया ना उसको हम डेटा बोलते हैं। और डेटाबेस का खासियत क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, कि ये सिस्टमेटिक वे में डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे अगर आप स्कूल में कहीं नोट्स ले रहे हो या कॉलेज में कहीं नोट्स ले रहे हो, क्या करते हो, पहले उसका हेडिंग डालते हो, बाद में उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन डालते हो, बाद में उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन डालते हो, राइट। ये जो सिस्टमेटिक जो वे है ना, ये डेटाबेस काम करता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सेस भी मिलता है। किसके एक्सेस मिलता है? कि आप डेटा को चेंज कर पाए, राइट। जब भी आपको जरूरत पड़े अगर आप डेटा को चेंज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो गिवन बाई दी, दिस एक्सेस इज गिवन बाई दी डेटाबेस। और तो और हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स को भी देखने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे आपका फोन का डायरेक्टरी हो गया, राइट, उसको हम बोल सकते हैं आपका डेटाबेस है। या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, आप एटीएम से इलेक्ट्रिसिटी भरते हो ना गवर्नमेंट का, वो भी एक डेटाबेस हो गया। आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, राइट, आपका गूगल ड्राइव हो गया, ये सब पार्ट ऑफ डेटाबेस ही हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या है। डेटाबेस तो बता दिया, तो व्हाट इज डेटा वेयरहाउस? बोलता हूँ डेटा वेयरहाउस मतलब इट्स अ वेरी बिग डेटाबेस। इतना बड़ा डेटाबेस कि उसमें छोटे छोटे डेटाबेस का डेटा हम स्टोर कर पाते हैं। और ये डेटा वेयरहाउस क्या होता है ना, ये दिस इज यूज्ड फॉर द अपर मैनेजमेंट लेवल। जो भी अपनी कंपनीज में जो अपर मैनेजमेंट रहते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, जैसे कि आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको डिटेल्स चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे डेटा वेयरहाउस का यूज हो जाता है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है? इसका प्रॉपर्टीज है, ये एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कैसे? अगर मैं कुछ डेटा, मतलब मेरा, समझिए मेरा एक बैंक है, मैं HDFC बैंक का आप ओनर हो, ठीक है, तो आपके बेंगलुरु से आपका डेटा आ रहा है, मुंबई से आपका डेटा आ रहा है, दिल्ली से आपका डेटा आ रहा है, राइट। जब डेटा डेटाबेस के थ्रू डेटा वेयरहाउस को आ रहा है ना, वो हर एक सिटी का डेटा अलग रखेगा, राइट। मुंबई का डेटा मुंबई में मुंबई के टेबल्स में रहेगा, और दिल्ली का डेटा दिल्ली के टेबल्स में रहेगा, राइट। और ये इंटीग्रेटेड रहता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सोर्सेज से भी ये डेटा को अपने आप यहाँ पे स्टोर कर सकता है। हेट्रोजीनियस सोर्सेज से डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और इसका और एक खासियत रहती है कि ईयर्स टुगेदर आप इसको स्टोर करोगे। जैसे देर आर सम कंपनीज हु आर मेंटेनिंग द डेटा ऑफ 50 ईयर्स। कुछ कुछ कंपनीज है, बहुत ओल्ड कंपनीज, जैसे अपना टाटा हो गया। टाटा कितना पुराना ग्रुप है। अगर आप, अगर आज रतन टाटा जी को कुछ डिसीजन लेना है, तो अगर उनको इवेल्युएट करना है कि मेरे 50 साल से मेरे बिजनेस कैसा, मेरा ट्रेंड है, ये 50 साल का डेटा उनके पास अवेलेबल है, ये किसकी वजह से है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ
data warehouse. Or this is data warehouse is also non-volatile. Non-volatile का मतलब है कि ये कभी भी डेटा आप इसमें अंदर डाल दोगे ना, कभी भी चेंज नहीं होगा, unless and until you are firing some commands to change it. जैसे मैंने बोला था, it will help you to, it will give access to manipulate. अगर आपको खुद से manipulate करना है, तभी ये change करेगा, नहीं तो ये कभी भी change नहीं करेगा. So guys, आप मुझे बताइए कि database और data warehouse का difference क्या है, comments में. ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. Thank you very much.